गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पहले मैं आपको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बताऊंगी। देखो बेटा, सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी की बुक खरीदनी है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश की बुक खरीदनी है, और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी की बुक खरीदनी है। मीन्स अकाउंट की बुक आपको हिंदी मीडियम में खरीदनी है। और आपको राइटर का जो नेम मैंने आपको बताया था, DK गोयल, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है हरियाणा एडिशन, तो आपको HBSC बोर्ड की DK गोयल की अकाउंट की बुक लेनी है। इसमें देखो आपके वॉल्यूम दो हैं, फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, और सेकंड वॉल्यूम, तो आपको दोनों वॉल्यूम परचेज करनी है मार्केट से। अगर आपको किसी से पुरानी बुक्स मिलती है तो आप पुरानी बुक भी ले सकते हो, और अगर आपको नई बुक मिलती है तो आप नई बुक भी ले सकते हो। तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखो आपका जो वॉल्यूम फर्स्ट है, इसमें आपके 1 to 16 चैप्टर गिवन है, ठीक है। ये आपका यूनिट बना के दे रखा है, और जो इंडेक्स है वो आपका नेक्स्ट पेज पे है, जो कि पूरे आपका 26 चैप्टर का है। तो आपके जो 17 चैप्टर हैं वो फर्स्ट वॉल्यूम में हैं, और आफ्टर 17 के जो चैप्टर्स हैं वो वॉल्यूम सेकेंड में हैं। तो सबसे पहले आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है इसका, और क्यों ये सब सिखाया जा रहा है हमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों हुई। तो देखिए, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन। गेन का मतलब होता है लाभ, और लॉस्ट मतलब जो हमने खो दिया, यानी कि जो लॉस होता है ड्यूरिंग द ईयर। कि साल के लास्ट में हर कोई ये जानना चाहता है, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसको कितना अमाउंट गेन हुआ है, कितना उसने इस ड्यूरिंग द ईयर में लॉस हुआ है। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, कि पूरे साल में कितना अमाउंट हमने कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया है। हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे एंड टू whom दे ऑन इंट, एंड हाउ मच इन ऑन टू डेब एंड बाय whom एक्सेट्रा, कि कितना अमाउंट आप लाइबल हो पे करने के लिए, कितना अमाउंट आपने उधार के रूप में दिया है, कितना अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए, जानने के लिए हम अकाउंट्स को बनाते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू कीप ए कम्प्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू ड्यूरिंग द ईयर, कि हर जो भी एक कम्प्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को जानने के लिए हर बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। उससे हमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन जाननी होती है वो सारी इंफॉर्मेशन पता लगती है। By keeping a complete and systematic record of every business dealing, कि जितनी भी business में dealing की गई है, जितनी भी transactions की गई हैं, उन सब का complete और systematic record तैयार किया जाता है। Businessman can know how much is the amount of purchase, businessman ये जानना चाहता है कि कितना amount उसको purchase करना है, कितना amount उसने sale किया है, टोटल एक्सपेंसेस उसके कितने हैं, कितना पूरे साल में उसको प्रॉफिट हुआ है, इस साल उसने क्या क्या अर्न किया है। फर्दर मोर ही कैन असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, किसके बाद वो क्या जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजिशन चल रही है वो कैसी है। हाउ मच कैपिटल इज इट हैज़ एट द एंड ऑफ ईयर, कि कितनी कैपिटल एंड ऑफ ईयर के बीच में बची है। एंड हाउ डेट कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड इन वेरियस असेट्स, कि कितनी कैपिटल हमें अलग अलग असेट्स में लगानी है। हाउ मच अमाउंट ही हैड टू टेक एंड फ्रॉम होम, एंड हाउ मच अमाउंट ही इज़ टू लाइबल टू पे एंड टू होम,
कि कितना अमाउंट हमें पे करना है, कितना अमाउंट हमने उधार पे दिया है। बी साइड, द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट आर हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन एवर नीडेड। कि ये क्या है, हमें हेल्प करता है इनकम टैक्स पे करने में, जीएसटी पे करने में। ये हमारे पास एज ए प्रूफ के रूप में होता है, जिसको हम लीगली तौर पर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे आप पूरे साल एक क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, तो लास्ट में जो आपका एग्जाम होता है वो किस लिए ले जाता है, कि यही जानने के लिए कि पूरे साल में आपने कितना कुछ सीखा है, क्या परफॉर्मेंस है आपकी, जो पोजीशन है वो क्या चल रही है, कितना आपको आया, कितनी बार आप फेल हुए, कितनी बार आपने कितने कितने मार्क्स गेन किए। तो ये सब जानने के लिए हम साल के लास्ट में हम क्या करते हैं, एग्जाम लेते हैं। सेम ऐसे ही अकाउंट में होता है, पूरे साल हम अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस के लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा, हमने पूरे साल में कितना कमाया, कितना उधार पे दिया, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का माल खरीदा, कितना माल हमने बेचा। तो ये सब काम जो भी बिजनेसमैन होते हैं जनरली ये सब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स के थ्रू ही हमें पता लगता है। जैसे आप पूरे साल में हमारे स्कूल में कितने बच्चे एंटर्ड हुए, कितने हट गए, कितनों की फीस आई, कितने पास हुए, फेल हुए, वो सारा रिकॉर्ड आपको किससे पता लगता है, अकाउंट से। तो आपको अभी ये बेसिक एक बार समझना है, पढ़ के देखना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है और जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स को अरेंज करना है। थैंक यू।